अच्छा माने 20-20 फोन आ गया मैं के डॉक्टर साहब पहुंचा कर मैं पे गाड़ी लेकर गडियाले जा रही हूं प्लस मेरे बीच में मैं बैठा हूं तो माने ओल्गो पर ओल्गो दे रही है हमारी प्रॉब्लम कोई कौन समझ रहा। जय माँ करनी की दोस्तों, जय गो माता की। मैं श्याम गोविंद सर और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी हम वेटनरी पहुंच गए हैं। वेटनरी में जो रात को गौ माता का एक्सीडेंट हुआ था नाल पुलिया थाना के पास, तो वहीं पर जो ये गौ माता आप देख सकते हो उसका पैर पीछे से टूट गया है, हड्डियाँ चकना चूर हो गई है। उसको अब यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया है, आगे गौशाला में ले जा रहे हैं। तो एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई है और जो यहाँ के लोग हैं सेवादार उनको बुलाया जा रहे हैं। फिर इस गौ माता को डालकर आगे में हम मैं और जड्डी भाई लेकर जा रहे हैं नंदनवन गौशाला में, जहाँ पर इसका पूरी तरह से इलाज किया जाएगा, इसकी देखभाल की जाएगी। क्योंकि वेटनरी में यहाँ पर एक बार इलाज कर देते हैं फिर रखने की जगह नहीं है, इसको या तो घर ले जाना पड़ता है या कोई गौशाला में ले जाना पड़ता है। और इसकी जो पट्टियाँ और हैं सब की गई हैं, दोनों पैर हैं जो पीछे से टूट चुके हैं। तो आगे अब इस गौ माता को अब गाड़ी में डाल रहे हैं, गाड़ी में डालकर ले जाते हैं नंदनवन गौशाला इलाज कराने के लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, गौ माता का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जितना सांपों का वीडियो आप लोग देखते हो उतना ही प्यार गौ माता के वीडियो पर। ये जो गौ माता आप देख रहे हो ये वही गौ माता है जिसको दो दिन पहले दो व्यक्ति गाड़े पे लाद कर जिंदा गौ माता को फेंक कर आ रहे थे रोड के किनारे, क्योंकि ये एकदम दुर्बल हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, दूध ना देने के कारण इसको घर से बाहर फेंका जा रहा था। तो बीच में हम गौ भक्त पहुंच गए और पहुंचकर तुरंत उनको पकड़ लिया गया और यहाँ पर वेटनरी जाकर इसका इलाज किया गया। आज ये एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। इस गौ माता की जो है एक आंख फूटी हुई है और एक साइड मुंह पे लगी हुई है चोट। ये एक छोटा नंदी है जो जिसकी जो चमड़ी है ऊपर से घाव है, एक्सीडेंट में किसी चीज की वजह से लगने की वजह से यहाँ ऊपर घाव पड़ गया है काफी, तो इसका उपचार किया गया है और अब बिल्कुल स्वस्थ है एकदम, और धीरे धीरे बिल्कुल घाव भर जाएगा इसका। एम्बुलेंस में जो खाद है उसको नीचे उतारा जा रहा है ताकि गौ माता यहाँ आराम से बैठ जाए, और इस पर एक गद्दा लगा हुआ है, गौ माता को आराम से उसे गाड़ी में लाद कर गौशाला में इलाज के लिए ले जा रहे हैं। गौ माता को है जो गाड़ी में डाल रहे हैं सब भाइयों की मदद से। उठा तो दो रुपए खेचा इसका आधा मुंह है जो कट चुका है बकरी का।
जा रहे हैं यहाँ पे जय माता दी की जय। से बोलेंगे आपको कॉल किया आप आए नहीं, तो मेरी प्रॉब्लम तो समझो ना, मैं भी अकेला इंसान नहीं। इन्होंने इन्होंने आपको क्या कहा ये बताओ। सब आ रहे गर्मी से, तो रहे यही पहुंच रहे, ऐसे मेरी छवि खराब करने से क्या मतलब रहेगा भाई साहब। क्या मेरे को कॉल किया जेडी भाई आया नहीं, या मतलब इन्होंने आपको क्या बोला मुझे पता तो चलेगा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं गर्मी से सो रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं गर्मी से सो रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जेडी भाई कितना कुछ काम करता है, फिर भी आप मेरे से शिकायत कर रहे हैं। ये बंदा कितना बागडोर कर रहा है, कोई बात कौन तो। लेकिन इन्होंने आपसे क्या बोला ये तो बताओ मुझे, पता तो चले ना भाई राजा ने। तो नंदी डॉक्टर साहब गर्मी से चौराहे पे कॉन्फ्रेंस में लू अभी उनको, हाँ अभी तो कॉन्फ्रेंस में लेता, वो मेरी बात सुना एक बार कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, वो आपके वही है, वो आपके वही है डॉक्टर। सब माना 20-20 फोन आ गया, मैं डॉक्टर साहब पहुंचा कर मैं आपका गाड़ी लेकर गड़ियाले जा रही हूँ, प्लस मेरे बीच में मैं बैठा हूँ, तो मैंने ओल्गो पर ओल्गो दे रही है, हमारी प्रॉब्लम कोई कौन समझ रहा। मैंने यार नंबर दे दिया था, बात कर लो यार। वहीं दो पहुँचे पता।